वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम MFL इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। MFL इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो MFL इंडिया यहाँ पे अपडेट से तकरीबन 5% अप था। फ्राइडे के दिन तकरीबन एक अच्छी रैली की थी, तकरीबन अपर सर्किट भी लग चुका था। और यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते हो कि लास्ट वन वीक की भी बात की जाए तो लास्ट वन वीक में MFL इंडिया 25% अप है। और लास्ट वन मंथ की भी बात की जाए तो लास्ट वन मंथ में गिरावट के बाद एक अच्छी रैली की, 11% अप है लास्ट वन मंथ के अंदर। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 1.21 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगा, वही से देख सकते हो कि अपर सर्किट फिर से लगने चालू हो चुका। इंट्रेंसिक वैल्यू के लिए इनसफिशियंट डाटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ROE और वर्सेस FD रेट के लिए भी इनसफिशियंट डाटा है। डिविडेंड रिटर्न की भी बात की जाए तो स्टॉक अच्छा डिविडेंड नहीं देता है। एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरऑल जोन, तो स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है। नो रेड फ्लैग स्पॉन, स्टॉक यहाँ पे SM JSM लिस्ट में भी नहीं और एंट्री करने के लिए भी एक अच्छा मौका है। प्रमोट होल्डिंग में शेयर भी प्लेज नहीं है। स्मॉल कैप में यह स्टॉक मुड़ता है, तकरीबन 65 करोड़ का मार्केट कैप है और हाई रिस्क में है रिसेंटली। तो फॉरकास्ट रिपोर्ट भी देखा जाए तो डाटा अवेलेबल नहीं है स्टॉक के लिए। और न्यूज़ की भी बात की जाए तो न्यूज़ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ कोई नहीं। होल्डिंग की भी बात की जाए तो होल्डिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटो होल्डिंग भी देखी जाए तो 0.42% की है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल नहीं है, FI की होल्डिंग भी नहीं है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटेल एंड पब्लिक होल्डिंग 99% से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटो होल्डिंग ज़्यादा है, तो ये थे लेटेस्ट, सॉरी प्रमोटर होल्डिंग कम है और यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे MFL इंडिया स्टॉक के लिए।